गया है तैयार, बच्चों का वेट कर रही हूँ स्कूल जाने से पहले। हूँ मेरा और आयशा की फरमाइश हो रही थी आज चॉकलेट केक खाना है मम्मा, और आप ही बनाएंगी हमारे लिए, तो केक रेडी कर दिया है। इतने ही मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं सब्ज़ी, तो आइए चलिए बनाते हैं साग। और साग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सीरियसली, क्योंकि उसको साफ करो, वॉश करो, और सबसे ज़्यादा वॉश करने का इसमें टाइम रहता है, और उसके बाद उसको पकाओ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनली बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैं लेकर आई हूँ उनको किचन में। तो मैंने आपके लिए बना दिया है, फ्रिज में रखा है। आइस क्लोज करिए। तो साग तो हो गया है रेडी, और साग के साथ मक्का की रोटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे कितना भी स्ट्रगल आपको करना पड़ जाए, लेकिन मक्का की रोटियां तो मैं ज़रूर ही खिलाऊंगी। हालांकि मुझसे नहीं आती है बनानी, लेकिन थोड़ी बहुत ट्राई कर लेती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे मक्का की रोटी नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने बनाया पराठा आलू का। तो पहले मैं आलू का पराठा हुमैरा को दूंगी, उसके बाद में देखिए आपको साग दिखाती हूँ। साग हो गया है रेडी और बहुत ही अच्छा सा साग तैयार हो चुका है। अब जल्दी जल्दी से लगाएंगे इसका बहुत ही टेस्टी सा तड़का। बहुत ही अच्छा सा बनाते हैं साग को और सब लोगों को फिर सर्व करते हैं। तो लहसुन मैंने बहुत सारा कट करके डाला है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें तड़का, और लाल मिर्ची भी मैं ऐड करूँगी इसमें। आज आप बहुत जल्दी उठ गई हो आयशा, आपको हॉलीडे में भी बहुत जल्दी उठना होता है। स्लीपिंग कर लेती हैं बिटिया जी। अच्छा ठीक है, ग्लास में वाटर दे दो, इससे वाटर पियोगी। बताइए। ठीक है, और मम्मा तो टी बना रही हैं, आप पियेंगी टी? नहीं। आपको टी अच्छी नहीं लगती? अच्छा, और देखो मम्मा ने आपके लिए दही भी बनाई है, दही ये देखो कर्ड, जैसे आप आपकी फेवरेट है कर्ड, चपाती खा रही है ना कर्ड से। तो बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो हॉलीडे में भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, तो बहुत लंबा दिन हो जाता है फिर इनके लिए, 6 बजे उठकर तो बहुत लंबा हो जाता है बच्चों के लिए। तो पता नहीं है, अजीब अजीब सी चीज़ें खेलते रहते हैं। देखिए स्लीपर और सारी चीज़ें एक साइड में रखी हुई हैं इन्होंने, तो ये कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी इसको कार बना के रखी हुई है, तो इस तरह से ये प्ले कर रहे हैं। तो हुमैरा आयशा हो गई हैं रेडी, फ़्रेश हो गई हैं और बाथिंग कर ली है, मैं हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ, आपको बताती हूँ, आज हमारे किचन में बन रहा है आलू कीमा और एक साइड बन रहा है चिकन। तो चिकन का मसाला बन रहा है, दूसरी साइड आलू कीमा रेडी होने वाला है। तो लंच में हम लोग खाएंगे आज आलू कीमा और डिनर में चिकन रेडी होगा। तो उसका सिर्फ मसाला रेडी किया हुआ है अभी मैंने, मतलब कर ही रही हूँ, और अब सब लोगों के लिए लगाती हूँ खाना।
पे मैंने चाय रख दी है, तो चाय में जितने बॉयल आता है और बहुत अच्छे से पक जाती है, और अदरक की तो इतना ज़्यादा अच्छी आती है, और जो थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो अदरक तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और आयशा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, सुबह में उठ कर उनको लगता है कि मैं एकदम से गोद में ले लूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा काम रहता है कि मुश्किल हो जाता है उनको टाइम देना, तो ये चीज़ हो रही है। और आयशा इरीटेट हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर में ही ठीक हो जाती हैं। बच्चों के लिए कर रही हूँ बॉयल एग, और सब लोगों के लिए बन रहा है आज ब्रेड और ऑमलेट। तो सब चीज़ें हो गई हैं रेडी ऑलमोस्ट, अब जल्दी से बनाते हैं फटाफट से बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और एक साइड जो इंडक्शन पे मैंने चाय रखी हुई है वो बहुत अच्छे से पक जाएगी, इतने रेडी होगा ऑमलेट। तो सब लोगों को नाश्ता करा दिया, मैं गई हूँ गार्डन में और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं प्ले। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से हमारा गार्डन कितना प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मौसम चल रहा है ना इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मी भी नहीं होती सर्दी भी नहीं होती, बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा थोड़ा अमरूद भी आने शुरू हो गए हैं अमरूद के पेड़ पर। तो देखिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से, एक आम का है और बहुत सारे प्लांट हैं, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाए हुए हैं। मैं आयशा यहाँ पर कर रही हैं प्ले और मैं कर रही हूँ इंजॉय। मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक करने के बाद जब जाऊँगी, उसके बाद मैं ले आई थी अपना ब्रेकफास्ट, तो मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट यहीं पर किया ठंडी ठंडी हवा में, खुली खुली जगह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह का वेदर, तो मुझे बहुत पसंद है। और हुमैरा आयशा कर रही थी यहाँ पर इंजॉय, वो कर रही थी मम्मा बाहर, बताए बच्चों क्या होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यस अब सॉरी बोलिए, फ्लावर को सॉरी बोल दो, चलो बोलो जल्दी। आयशा मेरा गंदी बातें से नहीं करो, आयशा प्यार से, हमारा प्यार से समझाते हैं, आयशा को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे हम आपके बाल खींचते हैं तो आपको भी दर्द होगा ना, ऐसे फ्लावर को भी होता है। तो मुझे जाना है अब इनके ताया के यहाँ पर, उसके बाद आके लंच रेडी करेंगे। तो मैं जल्दी से बच्चों को कर दिया था बाथिंग करा के फ्री, और हम लोग निकल गए थे इनके ताया के यहाँ पर, और मैं पुप्पो और हम सब लोग जा रहे थे मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए। तो आज बच्चों को भी लेकर चलते हैं, थोड़ा आउटिंग सी हो जाएगी इनकी भी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक इतना प्यारा सा एनिमल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा, मैं आपको दिखा कर लाती हूँ। क्योंकि मैं बैठी थी आकर, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत ही अच्छा है, उसको आप बताइएगा देखकर वो क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको रैबिट भी नहीं बोल सकते आप और रेड भी नहीं बोल सकते। एक मुझे कुछ अलग ही चीज़ दिखी जो कि शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा, इतने ज़्यादा प्लांट थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो ये चीज़ है क्या असल में, वो ज़रूर बताइएगा। तो भाभी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चाय बनाई, तो सब लोगों ने साथ में चाय ली, उसके बाद हम लोग निकलने लगे थे। और यहाँ पर बच्चों के लिए भाभी ने समोसे मंगा दिए थे गरम गरम, तो देखिए वो अपने पिंजरे में है। उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर पे फरमाइश हो रही थी कि लहसुन की चटनी और लहसुन वाली जो छाछ होती है वो बनानी, और बेसनी चपाती। तो मैंने जल्दी से आटा रेडी करके और सारी चीज़ रेडी कर दी, आने के बाद जल्दी से फटाफट से लगाया लंच। व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की शादी आने वाली है, तो फटाफट से हम अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाएंगे और मज़े करेंगे खूब। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।